बाबा सा तुम अक्कड़ बक्कड़ अगड़म सगड़म तुम अंदर खुल के बोल सकते हैं? अवश्य बोल सकते हैं। आप जानते हैं आपके मुंह से बाबा सा सुनने के लिए हम तरस गए थे। हमें कितनी खुशी हो रही है आपकी आवाज सुन के। वो सोच के हम इतने दिन से थक गए थे, अब तो मैं बस बोलने का मन कर रहा है बाबा सा। बोलिए जो मन में आए बोलिए। पर आप जानते हैं आपकी आवाज जिनकी वजह से वापस आई है वो कौन है? जादूगर। आपको मारा ना मन, धन्यवाद जादूगर। आपको पता है आप में जादूगर की जान बसती है। मीठे आवाज है हमारे। अच्छा, चले गई थी तो बड़े दुखी हो गए थे हम। आवाज वापस आ गई है, हम ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा, अवश्य कीजिए। आप जानते हैं आपकी मीनाक्षी बुआ सा भी आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती है। जाइए जाइए, बातें कीजिए उनके साथ, जाइए। बुआ सा। मित्र ध्रुव, हम बहुत शर्मिंदा हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आप बिल्कुल सही थे और हम गलत। बिजली जी को यहां लाके आपने ना केवल शौर्य बना की मुस्कान लौटाई, उनकी खोई हुई आवाज भी फिर से वापस आ गई। धन्यवाद कह के आपका अपमान नहीं कर सकते, परंतु इतना अवश्य कहेंगे, आप एक अति उत्तम चिकित्सक हैं। तो फिर आप बिजली का इलाज करने में मेरी मदद कीजिए। क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कहिए। मुझे वीरपुर पहुंचना है, जल्द से जल्द। अवश्य। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीरपुर क्यों जाना चाहते हैं ध्रुव? मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जगताप बिजली का सगा पिता नहीं है। बस किसी भी तरह इस बात को मैं साबित कर दूं कि तारा इन्हें एक हादसे के बाद बीमार हालत में मिली, बेहोशी की हालत में मिली और इन्होंने उसका नाम बिजली रख दिया। भी वैसी सामान बिखरा हुआ जैसा उस दिन बिखरा हुआ था। भाई साहब जी, आपने जगताप जी और उनके बेटे महावीर को आसपास कहीं देखा है? उन्हें तो बहुत दिनों से किसी ने नहीं देखा। कहीं नहीं देखा आपने? तो वापस देवगढ़ लौट आई तो महावीर और जगताप जी को तो यहीं पर होना चाहिए, अपने घर में। ये लोग अपने घर में क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। बिजली से सीधा बात करनी पड़ेगी। आखिर कहां गए उसके बाबा और भाई?
मारे को पता है अपने चाहती मैं इस महल में वापस आऊं और मारे को एक अवसर दे दीजिए, वादा करती रानी सा के मान सम्मान में कोई कमी ना रहने दूंगी, उनके चरित्र उनकी व्यक्तित्व की गरिमा जीऊंगी भी और निभाऊंगी भी अच्छे से बाबू से, मारे को बस एक अवसर दे दीजिए। इसने तो कायाकल्प कर ली, बिजली से रानी सा बन गई। और हम सोच रहे हैं क्यों? हम भी वही सोच रहे हैं। शाबाश, यदि भाई साहब हृदय ने मान लिया कि तुम उनकी रानी सा हो तो मारी विजय निश्चित है। चला हंस की चाल। आप ठीक? उठिए। कैसे चीख पुकार करके अपना असली स्वभाव दिखा देगी। कपालिनी जी, हुकुम जितना प्रेम अपनी स्वर्गीय पत्नी से करते हैं उतनी घृणा करते हैं हमारे से। शिवरात्रि के दिन अपने साथ उनको शिव मंदिर ले जाना हमारे को संभव ना लग रहा है, आई समझ? इस घृणा को प्रेम में बदलना होगा बिजली। जब सूर्य प्रताप तुझ में अपनी पत्नी को देखेगा ना तो अपनी बुद्धि की नहीं तेरी सुनेगा। ये जो तेरी शक्ल सूरत है ना, इसको बना अपना हथियार और फिर कर सूर्य प्रताप के दिल पर वार। गुस्सा दिखाया तो फिर से महल से बाहर का रास्ता ना दिखा दिए लोग। माफ कर दीजिए हुकुम, पता नहीं कैसे पैर उलझ के गिर गए, समझ ही नहीं आया कुछ। हाथी के थाल पे गिरा दी, माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसी गलती ना होगी। माफ कर दीजिए मारे को। ये शेरनी की तरह दहाड़ने वाली आज भीगी बिल्ली कैसे बन गई? बिजली को पता है उसकी गलती नहीं थी, फिर भी माफी क्यों मांग रही है? मासा, बाबा सा, आज फिर से साथ में आपकी करिए ना, जैसे पहले क्या करते थे। बाबू साहब पकड़े ना। मैंने कभी आरती ना की है, हाथ पकड़ के मेरे को सिखा दीजिए कैसे क्या करना है।
शायद हमारी ही भूल थी, भ्रांति थी, जो हमें लगा कि ये हमारी रानी सा हो सकती है। रानी सा की तरफ पूजा करना तो दूर, पहले आरती की थाल संभालना सीखिए। रानी सा होती तो थाल कभी गिरने ना देती। बिजली नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, बात बात पे और हो रही है करने वाली बिजली सोना चांदी के गिराने पर भी शांत रही। और प्रताप जी से तो चिढ़ती है बिजली, तो उनके साथ आरती क्यों कर रही है? चल क्या रहा है उसके मन में, पता करना पड़ेगा। मुझे बिजली से बात करनी पड़ेगी। बिजली के घुंघरू, अभी छुपा देती हूँ, अब कुछ कर भी नहीं पाएगी। ऐसे ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, आई समझ? जो दूसरों को गिराता है ना, वो ऐसे ही धड़ाम से गिरता है। किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी ना समझना। यदि सुनिश्चित करना है कि बिजली रानी सा है या नहीं, तो हमें वो करना पड़ेगा जो सोचा था। सोना चांदी के कारण सारे किए कराई पर पानी फिर गया, पीछे पड़ गए। पर इस क्या हुआ? मारे को क्या हुआ? यही बात मैं तुमसे पूछने आया हूं। तुम्हें क्या हो गया? आरती के समय भी तुम वैसे बात नहीं कर रही थी जैसे तुम नॉर्मली करती हो, तुम हमेशा करती हो, और तुमने देखा था। तुम्हें जानबूझ के सोना चांदी ने आरती के समय मिली भगत करके गिराया था, फिर भी तुमने उनको पलटकर जवाब नहीं दिया। वो लड़की जो करती पहले है लेकिन सोचती बाद में है, उसने माफी मांग ली। वाह, चल क्या रहा तुम्हारे दिमाग में? मारे को फालतू ही बदनाम कर रखा है। मैं क्या सिंग भिड़ा के लड़ती हूँ क्या हर किसी से? क्या समझ रखा है? मैं यहाँ ना आलतू फालतू बातों पे ध्यान रखने ना आई हूँ, चुटकू साथ का ध्यान रखने आई हूँ, और मैं वही कर रही हूँ। अभी काम की बात है तो करो, वरना मैं व्यस्त हूँ। तुम्हारे बाबा और तुम्हारा भाई कहाँ है? क्यों, थारे को क्या है, क्यों पूछ रहे हो?
बस इतने तो पूछ रहा हूँ, बता दो तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? बिजली, मैं वीरपुर गया था उनसे मिलने, पर वो लोग मुझे वहां नहीं मिले। और जब तुम महल से बाहर चली गई थी ना, तब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था, पर तुम भी मुझे वहां नहीं मिली, ना तुम्हारे बाबा और ना तुम्हारा भाई। कहां हैं वो लोग बिजली? ए, थारे को क्या, मैं कहीं भी जाऊं इतनी खुजली क्यों है मारे जीवन में अपनी ना घुसाने की? हुँ? मारे बाबा महावीर को तीर्थ यात्रा पर लेकर गए, आई समझ? अब वो भी क्या थारे से पूछ के जाएंगे? हुँ? तीर्थ यात्रा? तुम्हारे बाबा वो इतने धार्मिक कब से हो गए? एकदम से धार्मिक कब से हो गए वो जो तीर्थ यात्रा? अरे को क्या? अरे बदल गए वो, गए तीर्थ यात्रा पे, वो भी थारे से पूछ के जाएंगे अब। और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है उनकी, आई समझ? बिजली है ना, कुछ नहीं होने देगी उन्हें। तुम्हारी फिक्र मेरी मुश्किल और बढ़ा देगी ध्रुव। सत्यानाश, हुकुम ने मारे को ऐसे अकेले इनके साथ देख लिया तो दिल में जगह देने की जगह महल से भी बाहर कर देंगे, क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.